कहा जा सकता है कि यह दौर युद्धों वाला है, रूस का यूक्रेन पर, इजराइल का गाजा पर और अब पाकिस्तान और ईरान का इसी हफ्ते एक दूसरे पर हवाई हमला। दोनों देशों के इस हवाई हमले में अब तक 11 बच्चों की मौत हो चुकी है। इन देशों ने अपना बचाव करते हुए कहा है कि उन्होंने आतंकवादी समूहों के ठिकानों पर हमला किया है। मालूम हो कि पाकिस्तान पर हमला करने से पहले अपने अन्य पड़ोसी देश इराक और सीरिया पर भी मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। इस पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने तीखी टिप्पणी की, जो खुद यमन के हूती के ठिकानों पर बुधवार को हमला किया और उनके मिसाइल के भंडार को नष्ट करने का दावा किया है। गुरुवार की सुबह हमलों के बाद इस्लामाबाद ने कहा कि आतंकवादी ठिकानों सटीक सैन्य हमला या एक गुप्त सैन्य ऑपरेशन था, जिसका कोड नेम मार्ग बार समाचार है। इस ऑपरेशन में सेना कई आतंकवादियों को मार गिराया है। पाकिस्तान ने कहा कि ईरान के अंदर गैर शासित स्थानों में पाक मूल के आतंकवादियों द्वारा प्राप्त सुरक्षित पनाहगाहों और स्थानों के बारे में अपनी गंभीर चिंताओं को लगातार साझा किया गया था। पाकिस्तान ने ईरान से अपने शीर्ष राजनयिक को वापस बुला लिया और तेहरान के समकक्ष को निष्कासित कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिया ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच के मौके पर बोलते हुए कहा कि कल उनके देश ने एक ईरानी आतंकवादी समूह को निशाना बनाया था और मित्रवत और भाईचारे वाले देश पाकिस्तान का कोई भी नागरिक नहीं निशाना बनाया गया। चीन और भारत ने ईरान द्वारा किए जा रहे हवाई हमले पर बयान जारी किए हैं। बीजिंग ने दोनों पक्षों से संयम बरतने का आह्वान किया है। चीन ने कहा कि हम दोनों पक्ष में तनाव बढ़ाने वाली कार्यवाही से बचने और संयुक्त रूप से क्षेत्र की शांतिपूर्ण बनाए रखने का आह्वान करते हैं। नई दिल्ली, ईरान और पाकिस्तान के बीच के मामले से खुद को दूर कर लिया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह कहा है कि आत्मरक्षा में देशों द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयों को समझता है। विदेश प्रवक्ता ने कहा कि जहां तक भारत का सवाल है, आतंकवाद के प्रति हमारा रुख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने। अमेरिकी विदेश विभाग ने 48 घंटे में तीन देशों के संप्रभुता सीमाओं का उल्लंघन करने के लिए ईरान की आलोचना की है। राज्य विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने संवाददाताओं से कहा, मुझे लगता है कि यह कुछ ज्यादा है। एक तरफ ईरान इस क्षेत्र में आतंकवाद का प्रमुख वित्त पोषक है और दूसरी तरफ उसका दावा है कि उसे आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए ये कार्यवाही करने की जरूरत है। बता दें, पाकिस्तान पर ईरान की एयर स्ट्राइक के साथ ही 26 जनवरी 2019 को भारत की ओर से पाकिस्तान के बालकोट में कई गई एयर स्ट्राइक की भी चर्चा होने लगी है। इस स्ट्राइक में पाकिस्तान के सैकड़ों आतंकी ढेर हो गए थे। रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान पर ईरानी हमले दोहराया, या ईरान और पाकिस्तान के बीच का हमला है। प्रवक्ता ने पाकिस्तान में ईरानी मिसाइल हमले पर मीडिया कर्मियों के सवाल के जवाब में कहा, जहां तक भारत का सवाल है, आतंकवाद के प्रति हमारी अब कोई कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति रही है। देश अपनी रक्षा के लिए जो कार्रवाई करते हैं उसे हम समझते हैं। ईरान ने अशांत बलूचिस्तान प्रांत में एक आतंकवादी समूह के ठिकानों पर अभूतपूर्व मिसाइल और ड्रोन हमले किए। वीडियो डेस्क, अमर उजाला .com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।